इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना की ये दूसरी लहर पूरे देश में भयानक तस्वीरों की वजह बन रही है। शुरुआत करते हैं झारखंड के रांची की तस्वीर से। रांची के शमशान घाट पर कोरोना से मरे लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रविवार से लेकर अब तक यहां पर 52 शवों को जलाया जा चुका है। रांची के DC खुद अंतिम संस्कार की निगरानी कर रहे हैं। रांची में कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार सिर्फ विद्युत शवदाह में होता है, लेकिन विद्युत शवदाह खराब हो जाने से मोर्चुरी में लाशों की भीड़ लगने लगी। बीमारी ना फैल जाए इसके लिए प्रशासन ने 25 ट्रैक्टर लकड़ी मंगवाई और शवों को जलाने का काम शुरू किया, और अब तक यहां पर कुल 52 शव जलाए जा चुके हैं। आप समझ सकते हैं हालात कितने खराब। वहीं MP के इंदौर में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। इंदौर के आसपास अस्पताल फुल हैं, मरीज लगातार आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर ही 2 मरीजों ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। इंदौर के महालक्ष्मी नगर के कोविड पेशेंट गौरव लखानी की पत्नी और उनके परिवार वाले जब उनको लेकर अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत बिगड़ रही थी, वो मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर उनकी पत्नी चीख चीख कर रो रही थी और अस्पताल में एडमिट करके उन्हें ऑक्सीजन देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन गौरव लखानी को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया और उन्होंने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। बोल रहा है कि जैसे चिल्ला रहा हूँ यहाँ, और क्या कर रहा हूँ, दो चार को बुलाओ, सब कुछ होगा यहाँ पर न्यूज़ वालों को। अरे उनको थोड़ा बोलो कि चिल्ला, 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 बोलो चिल्ला। मुझे तो मुझे कहाँ रहने हैं, मैं तो नाम जेब नहीं, मुझे तो जब मेरा कहर गाने आते हैं, वाई गुरु चाहो। बोलो 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 बोलो। नहीं वाई गुरु चाहो। बोलो। चिल्लाओ उनको चिल्लाओ। चिल्लाओ उनको चिल्लाओ, अभी है उनकी चल रही है, चिल्लाओ चिल्लाओ उनको चिल्लाओ। अरे ऑक्सीजन लगा दे रे, अरे ऑक्सीजन लगाओ रे, चिल्लाओ चिल्लाओ, अरे उनको थोड़ा वो करो, ऑक्सीजन तो है ना। अरे नहीं चल रही है, हटो 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 जल्दी। आधे घंटे से नहीं देख रहा हूँ, सांस खत्म हो गई। रात को मैं MTH गया तो वहाँ पे बोर्ड टका हुआ है MTH के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है, और यहाँ पे भी आया रात को तो रात को यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अरविंदो भी गए, अरविंदो में भी नहीं, यहाँ तक इंडेक्स तक गए रात को, हम 5 बजे घर पहुँचे, कोई बेड अवेलेबल नहीं मिला। अस्पताल में बेड नहीं मिलने से मौत का ये कोई अकेला मामला नहीं है। इंदौर के ही द्रविड़ नगर के रहने वाले देवेंद्र बिल्लौरे अपने पिता को लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए थे, लेकिन उन्हें भी बेड नहीं मिला। इस एम्बुलेंस में वो आए थे उसमें ऑक्सीजन सिस्टम की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। देवेंद्र बिल्लौरे ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हाथ पैर तक जोड़े, लेकिन बेड था ही नहीं, और वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनके पिता ने एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ दिया। मेरे फादर को यही प्रॉब्लम हुई है, आधा घंटे तो गेट पे रोक रखा था, जबकि डॉक्टर से बात हो गई थी, फिर अंदर दिया तो बोले पहले आधार कार्ड लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, जब जाके होगा। इनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, गेट नहीं मिल पाया कितनी देर। अरे 1.5-2 घंटे हो गए हमको, आधा घंटा तो हम गेट पे खड़े रहिए, 1.25 घंटे से यहाँ सिर्फ बोल रहे कि कागज भर दो, कागज भर दो, ये लाओ वो लाओ। ऐसे टाइम पे आदमी क्या लाएगा, बोल रहे कि बेड की व्यवस्था कर दो, इमरजेंसी है। बोले यार यहाँ तो और भी 10 एम्बुलेंस खड़ी और वहाँ भी इमरजेंसी है। बिहार में भी कोरोना का कांटा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस दूसरी वेव में पटना के अस्पताल एक बार फिर फुल होने लगे हैं। पटना के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड फिल होने का नोटिस लग चुका है। इलाज नहीं मिलने से लोगों की जान जाने लगी है। पटना के NMCH हॉस्पिटल के अंदर और बाहर भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्रा NMCH हॉस्पिटल पहुंचे तो यहाँ एक शख्स का परिवार बिलख रहा था। कोरोना की वजह से एक मौत हो चुकी थी। पत्नी का आरोप है भी है कि वक्त पर इलाज नहीं मिला, समय से उन्हें भर्ती नहीं किया गया और इलाज में देरी की वजह से पेशेंट ने दम तोड़ दिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। भैया आपके मरीज को कोरोना हो गया था? हाँ।
तो हमने 5 लाख रुपया दिखाते आए, फायदा नहीं। रात एम्स में हम गए, एम्स रेफर किया हमारा बिहार से। यहाँ पर कोई इलाज नहीं हुआ, यहाँ बाबू के 4 बजे भेजे सिविल में हम भर्ती किए, बाबू आया 6 बजे ले गया पर्ची, यहाँ आया तो सब गण नर्स वाला हरगिज नहीं भर्ती होगा, जबकि चिटा गया 6 बजे भोरे हमारे बाबू लेके। लोगों ने क्या कहा, जगह नहीं है इसलिए भर्ती नहीं करता। हम कितना गोर पड़े माई बेटा रोए, तो एगो डॉक्टर निकला अंगुली में किया, बोला हम लेते 10 मिनट ऐसे ही बाबू मेरा दम तोड़ दिया, बैठ के उठ के। मेरा हस्बैंड थे आर्मी के जवान थे, आर्मी एक अफसर थे। कितने बजे यहाँ पर? यहाँ हम आए हैं 10:30 बजे। क्या कहा लोगों ने, जगह नहीं है अंदर में? बोला आप 7 नंबर में भेज रहे हैं, 7 नंबर में भेज रहे हैं, आप जाएगा उतारने की गाड़ी फटाफट बंद कर लेता, बंद कर लेता, इधर बोलता उधर से बंद कर लेता। पीछे तुम दुला रहे हैं जाके, यहाँ पे मरीज पड़ा है, मरीज को नहीं देखा क्या गया? जगह नहीं होने की बात कही गई थी? नहीं बोली गई थी जगह होने, बोले कि मैं सेकेंड फ्लोर पे शिफ्ट करता हूँ इनको। आप हमारा जाके पर्ची देख सकते हैं, उनके पास पर्ची रखा हुआ होगा, उस पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। वो बोले मैं सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट करता हूँ, फिर जब नेता आए तो नेता के पीछे सारे पैक हो गए। हम यही देख रहे थे, ढूंढ रहे, कोई मिल नहीं रहा, टाइम बीत गया 1.5 घंटा से हमारे पिताजी उसी तरह वहाँ धूप में रह गए गाड़ी में, अंत में उन्होंने दम तोड़ दिया। जो तस्वीरें 8-10 महीने पहले आया करती थी और लगा था कि वो खराब वक्त बीत चुका है, वो लौट कर आया है। पटना का हाल आपने देखा, ब्रेक के बाद आपको हम सूरत के अस्पताल का बेरहम रवैया दिखाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।